आइए धनी की मेहसी, धनी की अपरंपार मेहसी इन धाम सीढ़ियों को चढ़कर इन दो मंदिर के चौक में आते हैं। इन चौक से एक सीढ़ी चढ़कर इन दो मंदिर की चौड़ी और चार मंदिर के लंबी एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर आए। इन चबूतरे से दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक की तरफ देखेंगे तो 50 हाथ में सीढ़ी दाएं बाएं कठेड़ा और इन चबूतरे के पूर्व में हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी के थम और हीरा के थम वही है जो दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है। चबूतरे के पश्चिम तरफ देखेंगे तो चार मंदिर लगते हुए उन पर भी इसी क्रम से अक्षी मेहराबी हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी दो दो रंगों की सुंदर मेहराबे पड़ती हुई। इन चबूतरे से इन मंदिर में जाना है तो एक सीढ़ी उतर के जाना होगा। दक्षिण तरफ देखते हैं तो एक मंदिर की जगह जो चांदनी चौक से ली थी वहां पर कठेड़ा, आगे 34 हाथ में सीढ़ी धाम रोज पर उतरी है क्योंकि धाम रोज से ये चबूतरा एक सीढ़ी ऊंचा है। आगे 66 हाथ की जगह गुर्ज नेदाबी है, आधा गुर्ज इन चबूतरे पर और आधा गुर्ज धामरोस के ऊपर शोभायमान है। तो इन गुर्ज की शोभा देखते हैं, गुर्ज और मंदिरों का लेवल समान आया है तो हमें चबूतरे से मंदिर जाना है तो एक सीढ़ी उतर के जाना है। इसी प्रकार से इन चबूतरे पर है और इन द्वार से गुर्ज के भीतर जाना है तो एक सीढ़ी उतर के जाना है। अब यहाँ इस गुर्ज के इन दक्षिण द्वार में आते हैं तो इन धामरोस और गुर्ज का लेवल समान है प्रथम भूमिका में, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंची चौखट तो ये चौखट भी एक सीढ़ी ऊंची और ये भी एक सीढ़ी ऊंची तो यहाँ से चौखट उलंग के आना है। पूर्व दिशा में देखेंगे गुर्ज का आधा दरवाजा, जो गुर्ज का ये दरवाजा है पूर्व दिशा का, उसका एक पल्ला चबूतरे पर एक पल्ला थामरोस पे। ऊपर से उतरना है तो सीधे उतर जाना है, यहाँ से गुर्ज में जाना है तो एक सीढ़ी चौखट उलंग के, और इन गुर्ज में है तो चाहे तो 10 मंदिर के हांस वाले मंदिर में सीधा चले जाए चाहे ये अगले हांस में चले जाए। इन नक्शे के माध्यम से देखें आधा गुर्ज चबूतरे पर आधा गुर्ज धामरोस पर, यहां से गुर्ज में जाना है तो सीधा ही एक सीढ़ी उतर जाएंगे। धामरोस से जाना है तो ये देखिए लाल रंग की चौखट, इन चौखट को उलंग के जाना है और पूर्व दिशा में इस पल्ले से जाना है तो सीधा ही उतर जाना है, यहाँ से जाना है तो एक सीढ़ी चौखट उलंग के जाना है। और इन गुर्ज के भीतर जब खुद को देखते हैं, ये शोभा देखें हम गुर्ज के भीतर जब खुद को देखते हैं इस नक्शे की तरफ, मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि गुर्ज के भीतर अपने को प्रथम भूमिका में किस नक्शे को देखना है। इस नक्शे में तो देखिए पश्चिम की तरफ ये 10 मंदिर के हांस में जाने के लिए दरवाजा हुआ और ये दूसरे हांस में जाने के लिए दरवाजा हुआ, दो दरवाजे चार जाली द्वार, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर 10 मंदिर के हांस का और एक सात वाले हांस का और दाएं बाएं के सुंदर दरवाजे, तो इस तरफ से भीतर तरफ से जो गुर्ज की सुंदर शोभा। इन पिक्चर्स के माध्यम से देखें ये अपना चबूतरा और ये धामरोस, इन मंदिरों में जाना है तो भी एक सीढ़ी उतरकर और इधर से गुर्ज में आना है तो भी एक सीढ़ी उतरकर, इधर से एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग कर यहाँ से सीधा उतर जाएंगे, यहाँ से एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलगेंगे और यहाँ से इस दरवाजे से तो 10 मंदिर के हांस में पहुंच जाएंगे और इस दरवाजे से पांच वाले हांस में। और एक सुंदर शोभा इन प्रदर्शन के माध्यम से, ये जो नीलवी का थंब है यहाँ पर तो एक मंदिर की जगह कठेड़ा हो गया, यहाँ से धामरोस पे सीढ़ियां उतरी, तो इन नीलवी के थंब की जो मेहराब है वो ये जो ठीक मध्य में यहाँ पर अक्षी थंब आया है वहां जाके पड़ती है, जो अपना गुर्ज आधा चबूतरी पर और आधा धाम रोस पे आया है उसकी जब दोनों पल्ले बंद होते हैं तो हमें पूरा नीलवी का अक्ष नजर आता है, पल्ले खुल जाते हैं
तो 22-7 नीलवी का अक्ष नजर नहीं आता। इन शोभा को दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ये गुर्ज आधा तो चबूतरे पर है और आधा धामरोस पे, और इसके दरवाजे जब बंद होते हैं इस तरह से, दरवाजे के ठीक बीच में 44-7 का ऊंचा अक्षीथम, इन अक्षीथम के साथ ये मेहराब आई। तो जब दरवाजे के दोनों पट बंद हैं तो अपने को पूरा 44-7 का थम नजर आ रहा है, और जब पट खुल जाते हैं तो तली के 22-7 के थम का अक्ष नजर नहीं आ जाता, क्योंकि दोनों पल्लों का डिजाइन इस तरह से है कि पल्ले बंद होते हैं तो वो नीलवी का थम बन के उभरता है। इसको एक अन्य पिक्चर से देखते हैं। यहां देखिए, ये नीलवी का थंब अपने को 22-7 ऊंचा नजर आ रहा है। 22-7 ऊंचा नजर नहीं आ रहा क्योंकि इन दरवाजों के पट खुले हैं। ये पट जब बंद हो जाएंगे तो ये नीलवी का थंब हमें पूरा नीचे तक दिखाई देगा। तो इन शोभा को एक बार पुनः करते हैं। दूसरे एंगल से ये शोभा देखते हैं। हम ये मान के चले कि जो गुर्ज है, 10 मंदिर के हांस का ये जो गुर्ज है, ये गुर्ज आधा तो चबूतरे पर और आधा थामरोस पे आया है, और ठीक मध्य, इन गुर्ज के ठीक मध्य जो गुर्ज का पूरब दरवाजा है वो आधा दरवाजा चबूतरे पर और आधा दरवाजा धामरोस पे आ रहा है। तो इनके ठीक सन्मुख इन गुर्ज के दरवाजे का सेंटर पॉइंट पड़ता है। तो यहां पर इस तरह से प्यारी शोभा है कि दरवाजे के दोनों पल्ले बंद होते हैं तो 44-7 ऊंचा हमें अक्षीथम नजर आता है, और इस नीलवी थम की मेहराब यहाँ इस थम से आकर मिलती है। तो यहाँ पर 134-7 की मेहराब की शोभा होती है। जब ये पट बंद है, दोनों दरवाजे जब पल्ले बंद हैं, तो हमें 44-7 का थम पूरा दिखाई देता है। जब दरवाजे खुल जाते हैं तो तले का 22-7 का थम हमें नजर नहीं आता, ऊपर का नजर आता है। तो इस तरह से प्यारी सी शोभा गुर्ज की।